दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, यानी कि POS। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल का अक्सर जो यूज होता है वो बड़े बड़े मॉल्स में या बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर उसका यूज किया जाता है, जहाँ पर जो कस्टमर्स की भीड़ है सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर हर कस्टमर को इन्वॉइस चाहिए होता है सामान का। तो हर साइड के कंप्यूटर्स के बड़े बड़े इन्वॉइस पे पेज पे उनकी कॉस्टिंग है जो काफ़ी बढ़ती है, तो उसी की वजह से वो छोटी मशीन से वो इन्वॉइस है जो जनरेट करके देते हैं। तो हम पॉइंट ऑफ सेल की जो ट्रांजेक्शन एंट्री है सभी की, उसे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार मेंटेन करेंगे, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। अगर आप भी किसी बड़े मॉल्स में या बड़े स्टोर में अकाउंट्स जॉब की तलाश में हो, तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स ऑफ सेल के बारे में अच्छी तरीके की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक पूरा कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में केवल कंपनी ही क्रिएट है, अब इसमें अभी तक कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं है और नहीं कोई अभी तक इसमें कोई लेजर क्रिएट हुआ है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में आपके सामने प्रैक्टिकली और लाइव डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि हमें एक तरीके का वो सेल वाउचर ही होता है। तो अब जैसे हम रूटीन में F8 करके हम सेल वाउचर को ओपन करते हैं, तो ये जैसे हमारी एक बेसिक सेल की एंट्री होती है, उस प्रकार की एंट्री हो जाती है। लेकिन हमें चाहिए पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है भी अक्सर हमें कोई कस्टमर्स के लेजर है जो बारी बारी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ सेल का एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, क्रिएट पर आएंगे, इस पर हम वाउचर टाइप पर आएंगे, और उसके बाद में हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल का एक वाउचर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे POS सेल, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल भी आप लिख सकते हो, और इसको हम अंडर में जो रखेंगे जिस वाउचर के उसके हम रखेंगे सेल्स के, और ये सब कुछ हम जो इसका वाउचर नंबरिंग का जो मेथड है, आप इसको मैनुअल भी रख सकते हो या फिर ऑटोमेटिक भी रख सकते हो। तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है प्रिंट वाउचर आप सब सेविंग, इसको हम यस करेंगे, और उसके बाद में यूज फॉर POS इन्वॉइसिंग, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्वॉइसिंग के पर्पज से आप इस वाउचर को क्रिएट कर रहे हो क्या, तो अब इस ऑप्शन को करेंगे यस। और उसके बाद में आ जाएगा मैसेज टू प्रिंट वन और मैसेज टू प्रिंट सेकंड, यानी कि जो इनवॉइस होता है उस इनवॉइस के लास्ट में आप अपने कंपनी की तरफ से, आप अपने स्टोर की तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हो, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे, क्योंकि जो भी हम टाइप करेंगे वो इनवॉइस के बिल्कुल फुटर के अंदर प्रिंट होके आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया भी थैंक्स फॉर विजिट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो चीज़, और उसके बाद में सेकेंड में लिख दिया भी विजिट अगेन, तो इस टाइप का आप मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी मैसेज लिख सकते हो आप। और उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी कि जो आपके पास इनवॉइस आप जो कस्टमर को दोगे छोटा इनवॉइस, उसके स्टार्टिंग में जो हेडिंग होती है उस पे हेडिंग पे टाइटल पे क्या लिखाना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पॉइंट ऑफ सेल लिख सकते हो, या नॉर्मल आप टैक्स इनवॉइस भी लिख सकते हो, POS टैक्स इनवॉइस भी लिख सकते हो। और उसके बाद में आ जाएगा इसमें अगर कोई डिक्लेरेशन आपको इनवॉइस में देनी है, तो वैसे तो आप इसको यस करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली सॉफ्टवेयर की तरफ से जो इसमें वर्डिंग लिखी हुई है वो है, आप इसमें कुछ करेक्शन इसमें करना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं, यानी कि जैसे कोई भी आप अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन उस पर लिखना चाहते हो भी गुड्स सोल्ड है वो रिटर्न्स नहीं होगा, आपको जो पेमेंट है वो टोटली आपको कैश करनी पड़ेगी, या जो भी आपकी कंपनी की कंडीशन है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो सारी की सारी कंडीशन हमारी उस इनवॉइस पे भी प्रिंट होके आएगी, या आप अपने गुड्स के प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हम जो एक बार बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के साथ है उसी को हम रहने देते हैं। और उसके बाद में बारी आएगी हमारे पास में नेम ऑफ क्लास की, हमें यहाँ पर एक वाउचर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको हम यहाँ पर दे देंगे POS, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के नाम से। तो उसके बाद में आपके सामने ये चार ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल में अक्सर होता क्या है भी आप गिफ्ट वाउचर भी आप अपनी कंपनी की तरफ से दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरफ से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हो, या कैश के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड डेबिट या चेक के थ्रू आप UPI है जैसे कि गूगल पे है, फोन पे या कोई पेटीएम के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी के लेज़र हमें यहाँ पर अब देने पड़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आएगा गिफ्ट वाउचर का, तो अभी यहाँ पर देख रहे हो कोई लेजर क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पर Alt+C के साथ इसको
लेजर क्रिएट कर देंगे। दोस्तों अब वाउचर गिफ्ट का मतलब क्या हो गया, अभी आपने कोई भी अपनी कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट आपने वाउचर आपने क्रिएट कर रखे हैं, या आपने कोई मतलब कोई दीपावली बोनस ऑफर आपने क्रिएट कर रखा है, या आपने कोई होली पर उठाया है, या कोई न्यू ईयर्स पे आपने कोई गिफ्ट वाउचर की आपने कोई स्कीम निकाली हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अलग अलग गिफ्ट वाउचर की सीरीज आप जो यहाँ पर देख सकते हो। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लेजर बना दिए नॉर्मल गिफ्ट वाउचर, या आप गिफ्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर इसको हटा के दिवाली गिफ्ट वाउचर के नाम से हमने एक बना दिया, और इसको अंडर हम रखेंगे सैलरी डेब्टर्स में, और कंट्रोल ए के साथ हम इसको जो इसका रजिस्ट्रेशन टाइप है इसको हम अनरजिस्टर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आप कौन से कंपनी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर एल्ट सी के साथ बना देंगे। अब मान लीजिए आप किसी भी SBI बैंक का आप कार्ड यूज़ करते हो, तो आप SBI बैंक का कार्ड यूज़ यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके बाद में ये हमारा रहेगा अंडर में बैंक अकाउंट, कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में चेक का है जो बैंक आप कौन सा यूज़ करते हो, तो उसके बाद में हम मान लीजिए आपने जो चेक लेना है वो आपके HDFC बैंक में आप यूज़ करते हो, तो हम HDFC बैंक का हम लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ये भी अंडर बैंक अकाउंट में रहेगा। और उसके बाद में कैश का लेजर ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट होता है, उसको हम कैश में रखेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा सेल का लेजर, तो सेल का लेजर अभी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सेल का लेजर क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास आ गई सेल। अब आपके पास दोस्तों मल्टी टाइप के भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप जिस स्टोर में काम करते हो वहाँ पे 5% के भी प्रोडक्ट हैं, GST 12% के भी प्रोडक्ट हैं, 18 या 28 या टैक्स फ्री के हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेजर की जो सेल टाइप है वो अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक बार सेल का लेजर क्रिएट कर लो अंडर में सेल अकाउंट, और उसके बाद में GST एप्लीकेबल रखना है, और इसकी जो GST की डिटेल है यहाँ पर हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना, ये इसको AGTG रहने देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसको भी नोट एप्लीकेबल ही करना है, और टाइप ऑफ सप्लाई को इसको यहाँ पर गुड्स करेंगे। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा सेट अल्टर टैक्स डिटेल, इसको हम यस करेंगे, तो यहाँ पर भी इसको हम नोट एप्लीकेबल ही कर देंगे। और उसके बाद में अब जो हमारे बेसिक लेजर होते हैं टैक्स के, CGST के, SGST के, वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। भी CGST टैक्स ये हमारा रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST रहेगा, और ये सेंटर का टैक्स है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको SGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST में रहेगा, और स्टेट टैक्स। तो इनके बाद में हम इन सभी को यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ सेल का जो वाउचर है वो क्रिएट हो गया। अब उसके बाद में हमें स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पर जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमने दो आइटम क्रिएट करी है। आइटम वन हम इसको हम यूनिट्स में रख देंगे यहाँ पे पीसेस, और इसके GST डिटेल हम यस करेंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पर एक बार इसका डिस्क्रिप्शन आइटम लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका HSN कोड हम टेम्परेरी डाल देते हैं। और उसके बाद में इसकी जो टैक्स एबिलिटी है उसको हम रखेंगे टैक्सेबल। हम दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हम GST 12% का, और एक GST 18% का, आपके पास 28 और 5 भी हो सकता है। और उसके बाद में हम आइटम सेकेंड ये भी पीसीस में रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर हम आइटम लिख देंगे, HSN कोड डाल देंगे, टैक्सेबल करेंगे, और इसका GST रेट 18% करेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिए। अब हम चलते हैं सेल वाउचर पर, वाउचर पर जाएंगे, और अब आपको यहाँ पर करना है F8। जैसे हम F8 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो अभी हमने जो वाउचर क्रिएट किया था PO सेल के नाम से वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसको PO सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमने जो क्लास सेलेक्ट करी थी POs के नाम से उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, अब पार्टी अकाउंट नेम में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम में आपको किसी का नाम नहीं डालना। अगर आप मान लीजिए आपकी जो सेल है वो सारी की सारी मतलब ऑन द स्पॉट आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में नोट एप्लीकेबल ही रखना है। तो जैसे हम नोट एप्लीकेबल रखेंगे, तो उस बायर अगर आप चाहते भी, कस्टमर चाहते भी वहाँ पर मेरा नाम आए, तो उस कंडीशन पर आप यहाँ पर उसका नाम देख सकते हो बायर्स का बिल टू। अब मान लीजिए आपके पास जो कस्टमर आया है वो रामलाल है, ठीक है, उसका एड्रेस हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका अभी रायसेन नगर ही मैं कर देता हूँ। और उसके बाद में स्टेट राजस्थान इंडिया, और GST रजिस्टर्ड टाइप में उसको अनरजिस्टर्ड कर देंगे, और प्लेस ऑफ सप्लाई में करेंगे। अब उसके बाद में आ जाएगी नेम ऑफ आइटम, तो हम इसको आइटम
वन करेंगे। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक पीस ही उठाएगा, आपको वापस इसकी क्वांटिटी जो ज़्यादा करनी है तो आपको बैक स्पेस करना है, और यहाँ पे एक की बजाय आप दो तीन चार पाँच जो भी आप कर सकते हो, मान लीजिए मैंने चार पीस कर दिया, और उसके बाद में रेट इसका 100 रुपीज़ मैंने रख दिया। तो उसके बाद में आइटम हमारी रहेगी सेकेंड, अब ये हमारी तीन पीस है और इसका 100 रुपीज़ है। तो उस तरीके से जो हमारा GST का टैक्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टॉक आइटम की GST के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख रहे हो जो टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू बन गई वो 802 रुपये बन गई। तो अब इसके अंदर आपके पास जो गिफ्ट वाउचर है, मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को 100 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी पे किया है, और उसके बाद में जो डिफरेंस अमाउंट है, अब मान लीजिए आपके कस्टमर ने 500 रुपये की जो पेमेंट है वो कार्ड से कर दी, तो आप यहाँ पर कार्ड का नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हो उसका कार्ड का नंबर क्या था, और उसके बाद में चेक कुछ भी नहीं है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैश उन्होंने दे दी। अब उसके बाद में कैश टेंडर में हमें उसको 202 रुपये पूरा डाल देंगे। अब बैलेंस इसका हम कुछ भी नहीं रखेंगे। अब इसके नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं, और इसको इंटरप्रेस करते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे। आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको इस टाइप का प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा, पॉइंट ऑफ सेल्स जो अभी हमने यहाँ पर टाइटिंग डाली थी उसकी, और उसके बाद में इनवॉइस का नंबर आप यहाँ पर देख रहे हो, जो बायर्स का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसका साथ में एड्रेस भी आ जाएगा। तो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आइटम 1 और 2 हमने दिए है, उसके बाद इसकी क्वांटिटी और इसके रेट, और उसके बाद में यहाँ पर आपको SGST CGST जो टैक्स भी दिखाएगा, और नीचे इसका टोटल इसका टैक्स का जो पूरा इसका एक्सप्लेन भी करेगा कि आपका CGST 6 SGST 6 और CGST 9 और SGST टैक्स 9% आपका इस अमाउंट के ऊपर इतना इतना चार्ज हुआ है, और उसके बाद में जो भी पेमेंट की जो कंडीशन थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर भी दिखाएगा भी जो पेमेंट वो किस किस टाइप से आई है, कार्ड के थ्रू कितना आया, गिफ्ट वाउचर का क्या था, और कैश है जो वो कितना रिसीव हुआ है। और उसके बाद आपने देखा तो जो हमने प्रिंट का जो एक्सप्लेन दिया था जी, हमने थैंक्स फॉर विजिट और विजिट अगेन का, तो वो आपको इनवॉइस में यहाँ पर आएगा, और जो डिक्लेरेशन थी वो डिक्लेरेशन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो हम इस डिक्लेरेशन को मॉडिफाई के चेंज करके आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ टर्म एंड कंडीशन अगर आप लिखना चाहो तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका पॉइंट ऑफ सेल के जो ट्रांजेक्शन करते हैं, और ये ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पर कोई किसी कस्टमर के नाम के जो लेजर है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा हम उसके मेलिंग एड्रेस में डाल देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।